हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कुछ मीठा फिर से लेके आई हूँ, और वो भी सिंपल और इजी, कोई भी बना सकते हैं। और ये है कालाकांद। कालाकांद वैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, बट आज मैं पनीर का कालाकांद बनाने जा रही हूँ, जो कि सिंपल और बेस्ट रहेगा, और टेस्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे बिना चलो फिर मेरी किचन और झटपट देख लेते हैं कि कैसे बनता है रेसिपी। चलो, ग्राम्स ऑफ पनीर लिया हुआ है जो कि क्यूब्स में है। आप चाहो तो कोई भी पनीर यूज कर सकते हो। उस तरफ मैंने कैश्यू नट लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून घी लिया हुआ है, कंडेंस्ड मिल्क जो कि 200 ग्राम्स लिया हुआ है मैंने। और अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो पनीर है इसको हमें एक के बाद एक इस तरह क्रम्बल करनी है। आप चाहो तो दो हाथों से यूज कर सकते हो, या तो आप ग्रेट भी कर सकते हो इसे, बट मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये जो पनीर है ये वो बहुत सॉफ्ट है। तो देखिए, इसको बहुत स्मॉल पीसेस में हमें कन्वर्ट करनी है। तो देखिए इस तरह, याद रहे इसे मीडियम या तो बिग पीसेस में ना छोड़े, इसे अच्छे से क्रम्बल्ड होना है इस तरह। तो देखिए हमारे ये ऑलरेडी क्रम्बल्ड हो चुका है, देखिए स्मॉल पीसेस हो चुके हैं। अब जाते हैं दूसरी ओर। यहाँ पे मैंने पैन लिया हुआ है जो कि बिल्कुल लो फ्लेम पर है, और यहाँ पे मैंने अभी ऐड करा मिल्क मेड, या तो हम बोल सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क। अब इसको हम पहले अच्छे से चलाएंगे, और याद रहे इसे मीडियम टू लो तक ही करना है। अभी देखिए हमें ये चलाने के बाद धीरे धीरे हमें पनीर को इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इस पर ऐड करते जाना है। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। अभी जो बाकी का जो पनीर था उसको भी हमने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, अभी भी ये लो फ्लेम पर है। अब देखिए ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा हो चुका है, अभी हमने इसे मीडियम फ्लेम करनी है, देखिए, और इसे चलाते ही जाना है। अच्छे से मिक्स करना है, ये पनीर में अच्छे से घुल मिल जाए ये जो मिल्क है। तो देखिए इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। अभी देखिए इसमें आ गया है उबाल, ये बॉयल हो रहा है, तो आप अच्छे से फिर से अच्छे से चलाते जाएंगे। और अभी भी ये मीडियम फ्लेम पर ही है, ये याद रखिएगा मीडियम टू लो करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा जल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, आप बिल्कुल लो कर दीजिएगा फ्लेम को। तो देखिए इसे अच्छे से चलाते जाएंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। देखिए अभी थोड़ा सा थिक होता जा रहा है ये, तो देखिए इसे अच्छे से इस तरह चलाते जाएंगे, और ये थिक होते जा रहा है। देखिए अभी भी मीडियम फ्लेम पर ही है, ये जो मिक्सर है ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। अब हमने इसको क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। अब ये देखिए थिक हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करनी है, लो फ्लेम से बिल्कुल इसे ऑफ कर देंगे और हल्का सा ऐसे चलाएंगे। देखिए ज़्यादा इसको हमें थिक नहीं करना है। तो देखिए हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो घी जो रखे हुए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें। तो देखिए ये हम मिक्स कर दिए हैं, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब इस तरफ देखिए मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, इस पर मैं मिक्स कर रही हूँ घी से, अगर आप चाहो तो बटर से कर सकते हो। अब करने के बाद ये जो हमारा मिक्सर है ये हम उस पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसको हम क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से सेट करना है इस तरह। अगर आप चाहो तो आप स्पून से भी कर सकते हो। तो देखिए सेट इस तरह हमने कर दिए। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए जो नट्स था वो हम इसे डाल रहे हैं, और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रेफ्रिजरेट करते हैं। अब देखिए अब ये हो चुका है, अब इसको हम कट करेंगे आपके मुताबिक। आप कौन सा साइज कैसा वाला चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए ऐसे कट करके
ये हमारा हो चुका है। देखिए तो ये जो हमारा पनीर का कालाकांद है, या तो आप बर्फी भी बोल सकते हो, ये सर्व होने के लिए रेडी है। ये बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है घर पे, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चीज़ें वगैरह आप घर पे भी बना सकते हो सिंपल इंग्रेडिएंट से। तो देखिए एक बार ट्राई करिए ज़रूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्टे हेल्दी।